दिशा में कभी ना हो नवविवाहित जोड़े का कमरा वास्तुशास्त्र में दिशाओं को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप हम सही दिशा में कोई कार्य करते हैं तो वास्तु के अनुसार उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि विवाह के बाद नवविवाहित दंपत्ति के लिए घर की किस दिशा में कमरा होना चाहिए और किस दशा में नवविवाहित कमरा होने पर वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा हो सकते हैं। विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि नवविवाहित जोड़े की शुरुआती जीवन लव और रोमांस से भरा हुआ हो। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि विवाह के बाद नवविवाहित दंपत्ति के लिए घर की किस दशा में कमरा होना चाहिए और किस दशा में नवविवाहित का कमरा होने पर वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि नवविवाहित जोड़े का शुरुआती जीवन लव और रोमांस से भरा रहे, लेकिन कई बार कुछ ना कुछ कारणों से वैवाहिक जीवन के शुरुआती क्षणों में परेशानियां आ सकती हैं। इन परेशानियों के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु के अनुसार अगर जोड़े सही दिशा वाले कमरे में नहीं रहते तो उनके वैवाहिक जीवन की स्थिति खराब हो सकती है।